हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारी जॉब हैं, लेकिन जॉब के बारे में बताने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर मैं सारी जानकारी पढ़ के सुनाऊँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हर पोस्ट में पोजीशन यहाँ लिखी हुई है और उसके पास में कितने लोग चाहिए, कितनी सैलरी है और डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन और एज लिमिट वगैरह आपको चेक करना है, मैं आपको जल्दी जल्दी में जानकारी दे देता हूँ। और आज के इस वीडियो में सऊदी है, दुबई है, यूएई, कतर वगैरह की बहुत सारी जॉब आज के इस वीडियो के अंदर है। जिस किसी को भी कोई भी जॉब पसंद आती है तो सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन चेक करें, ड्यूटी हावर चेक करें, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चेक करें और सैलरी कितनी है और एज लिमिट क्या है। ये सब कुछ चेक करने के बाद जिसका बायोडाटा, जिसका सीवी मैच करता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर ईमेल करना है। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपका ईमेल मिलेगा हम कोशिश करेंगे तुरंत ईमेल चेक करके आपको रिप्लाई करें। लेकिन अगर रिप्लाई मिलने में 2-4 घंटे लग जाते हैं और हो सकता है कि दूसरे दिन आपको रिप्लाई दिया जाए, लेकिन आपको अपने ईमेल पे एक्टिव रहना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि फ़ोन करते हैं, महीना हो गया रिप्लाई नहीं मिला, बाद में हम ईमेल आईडी चेक करके बताते हैं तो उनको उसी वक्त रिप्लाई दिया हुआ होता है। वो इस वजह से ऐसा होता है कि खुद अपना ईमेल चेक नहीं करते हैं कि हमने उनको क्या रिप्लाई दिया है। तो ठीक है, और अगर कोई बात हो, इमरजेंसी हो, कुछ पूछना हो तो ईमेल आईडी के पास में हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। फ़ोन करने का टाइम है सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, फिर 3 बजे से लेके 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे फ़ोन चालू रहते हैं और संडे को फ़ोन बंद रहेगा। तो ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये सबसे पहली जॉब है मेरे पास सऊदी अरबिया की, ये प्लम्बर का काम है, 35 लोग चाहिए, 1500 सैलरी दी जाएगी और खाना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, 5 से 7 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और हुस्टन साइट सेंटर का टेस्ट सर्टिफिकेट हो और उसमें 60% के ऊपर ही होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 9 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटा आपको लंच ब्रेक मिलेगा और हफ्ते में एक छुट्टी रहेगी। बाकी हर कंपनी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, इकामा हर कंपनी देती है, इसमें भी मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से। उसके बाद ये ओमान का काम है, कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, शटरिंग कारपेंटर, स्टील पिक्चर, मेशन, मेशन कौन सा चाहिए, ब्लॉक एंड प्लास्टर वाला। 110 सैलरी ओमान रियाल है और 30 ओमान रियाल खाने के दिए जाएंगे, टोटल 140 रहेगा तीनों में। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन करेंसी में कितनी सैलरी बनती है तो आप गूगल में जाके उसको कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। और ये तीनों जॉब के लिए गल्फ का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी गल्फ कंट्री का। ईसीआर पासपोर्ट होगा तो भी चलेगा, ईसीएनआर होगा तो भी चलेगा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद हैं, ये सऊदी अरबिया के लिए हैं, कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले पोजीशन है बस ड्राइवर सऊदी रिटर्न हो, जिसके पास बस ड्राइविंग का सऊदी का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रीशियन, टाइल एंड मार्बल मेशन एंड प्लम्बर, सबकी सैलरी यहाँ पे है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 35 है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, 9 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटा लंच ब्रेक मिलेगा, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी। उसके बाद अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, इकामा सब कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद है, कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, रेस्टोरेंट का है, लेबर कैटेगरी का, सर्विस क्रू है, दोनों सैलरी यहाँ पे हैं और डिस्क्रिप्शन आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, एज लिमिट वगैरह। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। इसमें भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 9 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, एकामा सब कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट एंड बैक पेज,
वीज़ा कॉपी, अगर आपने पहले कभी काम किया है गल्फ कंट्री में तो उसका कॉपी भी भेजनी है, और फुल साइज़ एक फ़ोटो चाहिए, ये सर्विस क्रू के लिए। उसके बाद है हरम नजात, ये भी सऊदी का काम है, टाइल फिक्चर, प्लास्टर मेशन, मार्बल फिक्चर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ब्लॉक मेशन, सबकी सैलरी यहाँ पे दी हुई है। खाने का अलग से दिया जाएगा, वो भी दिया हुआ है, कितने लोग चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। एज लिमिट वगैरह यहाँ पे है, ड्यूटी हावर्स, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वगैरह। उसके बाद है टीम प्रोजेक्ट का, ये भी सऊदी का काम है, स्प्रे पेंटर चाहिए, 6 लोग, 1500 प्लस 200 सैलरी है। और पेंटिंग में कौन कौन सा काम करना है और कौन कौन सा काम कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूटी वगैरह यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, सब कुछ। उसके बाद है TCC कंपनी का काम है, ये भी सऊदी में है, ये पाइप फिटर चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, टेस्टेड मतलब आयशा का टेस्ट होना चाहिए, या फिर ABC है, ODC है, और हुस्टन साइज सेंटर है, और भी बहुत सारे हैं। कहीं का भी टेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 5 लोग चाहिए, 1100 प्लस 300 सैलरी है, 9 घंटे की ड्यूटी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, और हाइट कम से कम 5.5 फीट होनी चाहिए। उसके बाद है ओवरडोज ट्रेनिंग अब्दाल, ये भी सऊदी का काम है, बेरिस्ता 1500 प्लस 200 दिए जाएंगे, टी बॉय 1000 प्लस 200 है, जनरल लेबर को 800 प्लस 200 दिया जाएगा। तीनों में इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, जिसको इंग्लिश का नॉलेज है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और 28 से ज़्यादा एज नहीं चलेगी, 21 से 28 एज लिमिट है, गुड लुकिंग हो, 9 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटा लंच ब्रेक मिलेगा, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, ओवर टाइम अगर रहेगा तो मिलेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, बाकी सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे। उसके बाद हैं ये मेगा रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए CV सिलेक्शन है, अगर इंटरव्यू हुआ तो स्काइप पे इंटरव्यू करवाएंगे, और ये रेस्टोरेंट का काम है सऊदी के लिए, सैंडविच मेकर चाहिए। सैंडविच मेकर में क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीम मेंबर का, या फिर KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, इसका सैंडविच बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इंग्लिश बोलने वाला भी चाहिए, और भी जो कुछ भी है सब यहाँ पे दिया हुआ है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, और सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे। उसके बाद ये भी रेस्टोरेंट का है, शेफ दे पार्टी, 1800 से लेके 2200 तक रियाल तक सैलरी आपको मिलेगी, इंक्लूडिंग फूड। क्या क्या चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, 25 से 35 एज लिमिट है, इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, और फूड जो है उसका पैसा अलग से नहीं मिलेगा, सैलरी जो बताई गई है 1800 से लेके 2200 उसमें इंक्लूड है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद है ये 5 स्टार होटल है मक्का में, उसके लिए चाहिए CV सिलेक्शन, और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्काइप पे इंटरव्यू होगा। HVAC टेक्नीशियन चाहिए चीलर प्लांट के लिए, 3000 सऊदी रियाल मिलेगा, ओवर टाइम भी कंपनी का कहना है कि अगर रहेगा तो मिलेगा। इसमें खास इस बात को देखिए, आप ITI किया हुआ होना चाहिए, ITI की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और ये मक्का का काम है, होली प्लेस है, इसलिए कंपनी का कहना है कि इसमें ओनली मुस्लिम कैंडिडेट होने चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 23 से 35 एज लिमिट है, इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, बाकी 10 घंटे की ड्यूटी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, और सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी बेनिफिट्स रहेंगे आपको मिलेंगे। उसके बाद है सऊदी के लिए रेस्टोरेंट का काम है, वेटर चाहिए, 1000 प्लस 200 रियाल मिलेगा, और टिप भी मिलेगी, 22 से 35 एज लिमिट है, और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वेटर, और बाकी सब यहाँ पे दिया हुआ है, 9 घंटे की ड्यूटी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, खाने का पैसा सैलरी में इंक्लूड है, अलग से नहीं मिलेगा। उसके बाद है सऊदी के लिए गार्डन लेबर चाहिए, भाई ये काम अच्छा है,
हल्का फुल्का काम है, इसलिए मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया था कि 1000 से कम सैलरी वाले में मैं कभी नहीं भेजता हूँ, लेकिन 900 है ये मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और जिसके पास इंडिया में भी जॉब नहीं है, कोई काम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। ECR ECNR कोई भी पासपोर्ट हो चलेगा। इसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 8 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और बाकी जो भी रहेगा सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद एक कतर के लिए कैटरिंग सुपरवाइज़र चाहिए, ये ऑफिस सिलेक्शन है, मतलब ये हमारे अंडर में है, हम इसका सिलेक्शन करेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग कंपनी में और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है। अकोमोडेशन फूड वगैरह देंगे, 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी और बाकी जो भी है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हफ्ते में एक छुट्टी वगैरह मिलेगा आपको। उसके बाद है, ये भी कतर के लिए हैं, ये भी हमारे अंडर सिलेक्शन है। ट्यूबुलर एंड यार्ड ऑफिसर, 4000 से लेके 4500 कतर रियाल तक आपको सैलरी मिल सकती है। और मटेरियल ऑफिसर 3500 प्लस खाना कंपनी देगी। और रिसीविंग ऑफिसर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, गल्फ कंट्री का ऑयल एंड गैस कंपनी का फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अकोमोडेशन फूड वगैरह कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 1 घंटा लंच ब्रेक रहेगा और हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये दुबई के लिए हैं, मेशन चाहिए, 1500 सैलरी है, सैलरी में कैसे कैसे सब यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। जिप्सम कारपेंटर चाहिए, उसकी भी सैलरी 1800 है, 1800 कैसे हैं वो सब यहाँ पे समझाया गया है, दिखाया है। और ये दोनों के लिए जिसके पास गल्फ कंट्री का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है वो ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है तो ये फ्रेशर के लिए काम नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी है, ओनली ECNR पासपोर्ट चाहिए दोनों में और बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये है अबू धाबी UAE के लिए, MEP टेक्नीशियन, 2300 से लेके 2500 तक सैलरी मिल सकती है और फूड के लिए 500 अलग से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और ड्यूटी वगैरह कितने घंटे की ड्यूटी है सब यहाँ पे है। उसके बाद ये भी अबू धाबी के लिए हैं, इमदाद कंपनी के लिए, इसमें चाहिए मैकेनिकल फॉरमैन, मशीनिस्ट, वेल्डर, टिग एंड आर्क वाला, और फैब्रिकेटर चाहिए स्ट्रक्चर एंड पाइप का। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट, ट्यूब फिटर, स्किल मैकेनिकल हेल्पर, ये भी वही है, और स्किल मैकेनिकल हेल्पर, स्किल प्रोडक्शन हेल्पर, स्किल प्रोडक्शन हेल्पर, ये सब अलग से दिया हुआ है, सबकी सैलरी यहाँ पे है। और ये 1 से लेके 14 तक सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, आप चेक कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 12 घंटे की ड्यूटी है, ध्यान में रखना, 4 साल का प्रोजेक्ट है और 12 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में छुट्टी भी नहीं है, 7 दिन काम करना है। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, जो इस टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री हैं अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ भेजें। उसके बाद है अजीज़ कंपनी के लिए, ये सऊदी का काम है, कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, 900 सैलरी मिलेगी, 200 खाने का मिलेगा, टोटल 1100 हो जाएगा। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 22 से 30 साल एज लिमिट है, 8 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम रहेगा तो मिलेगा, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी। बाकी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल इंश्योरेंस ये काम सब कंपनी देगी और अदर बेनिफिट सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से आपको मिलेंगे। उसके बाद हैं, ये सऊदी का काम है, कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करिए। ये ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी कंपनी का होना चाहिए, आयशा है वगैरह वगैरह, कम से कम 60% हो, 60% से कम है तो नहीं अप्लाई कर सकते, सब में सर्टिफिकेट लगेगा, सब में दिया हुआ है। मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए,
सैलरी 1500 से लेकर 3000 तक रहेगी। खाने का 150 अलग से दिया जाएगा। उसके बाद चीलर टेक्नीशियन है, इसमें भी 1500 से लेकर 3000 तक सैलरी आपको मिल सकती है। खाने का 150 अलग से दिया जाएगा। मोटर रिवाइंडर, इसमें भी सेम सैलरी है। एज लिमिट है 28 से 35 साल, 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये काम सब कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और अलग से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से। उसके बाद हैं, ये रियाद के लिए है, सऊदी का काम है। इसमें सैलरी यहाँ पे दी हुई है, खाने का अलग से 200 रियाल जोड़ दिया गया है। वेल्डर हैं, पाइप फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, शटरिंग कारपेंटर, मेसन, टाइल्स मेसन, स्टील इरेक्टर्स, स्टील फिक्चर, इसी टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन लेबर। और जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, 25 से 35 साल एज लिमिट है। और हुस्टन साइट सेंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो बॉम्बे में हुस्टन साइट सेंटर कहाँ पे है, उसका एड्रेस लेके वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट देने के बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और कम से कम 61% आपको लेना ज़रूरी है। अगर 61% से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अकोमोडेशन वगैरह देख लीजिए। उसके बाद है बहरीन के लिए स्टील फिक्चर, सैलरी यहाँ पे दी हुई है, सब में अलग से लिखा हुआ है। ये पोस्ट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, प्री कास्ट है, कॉन्क्रीट मेसन, पेंटर है, प्री कास्ट एक्सपीरियंस, फिनिशिंग कारपेंटर है, जनरल लेबर, रिगर, सबकी सैलरी यहाँ पे दी हुई है। कितने लोग चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, 1 से लेके 6 का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी सर्टिफिकेट लगेगा। टेस्ट सेंटर का कम से कम 60% होना चाहिए, अगर कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अकोमोडेशन ड्यूटी वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है रिटर्न हाउस ड्राइवर, ECR, ECNR कोई भी पासपोर्ट चलेगा। 25 से 40 एज लिमिट है। जिसके पास सऊदी का लाइसेंस है और एग्जिट पेपर भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या जिसके पास एग्जिट पेपर नहीं है और छुट्टी पे आए थे और 3 साल पूरे हो चुके हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रियाद का काम है और 1400 प्लस 200 रियाल सैलरी दी जाएगी। उसके बाद है डायना ड्राइवर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 22 से 30 एज लिमिट है। रियाद का काम है, 1200 रियाल सैलरी मिलेगी इंक्लूडिंग फूड और 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है रिटर्न हैवी ड्राइवर, रियाद के लिए 22 से 40 एज लिमिट है, 1500 प्लस ट्रिप और कमीशन मिलेगा। उसके बाद है रिटर्न हैवी ड्राइवर, रियाद के लिए सैलरी मिलेगी 1500 इंक्लूडिंग फूड और 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है वेटर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 22 से 35 एज लिमिट है। रियाद का काम है, 1000 प्लस 200 रियाल सैलरी मिलेगी प्लस ट्रिप मिलेगी, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है फाइनेंस अकाउंटेंट, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये ओमान के लिए है। 300 ओमान रियाल इंक्लूडिंग फूड सैलरी मिलेगी, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। कोस्ट अकाउंटेंट, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, ओमान के लिए है। 500 ओमान रियाल इंक्लूडिंग फूड सैलरी मिलेगी और 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है 5 स्टार होटल के लिए HVAC टेक्नीशियन चिलर प्लांट, ITI डिग्री होनी चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 23 से 35 एज लिमिट है। इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। रियाद का काम है, 3000 रियाल सैलरी मिलेगी प्लस ओवर टाइम रहेगा तो मिलेगा, 10 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है रेडी मिक्स कॉन्क्रीट ट्रक, सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रियाद का काम है, 1600 रियाल सैलरी मिलेगी प्लस ओवर टाइम रहेगा तो मिलेगा, इंक्लूडिंग फूड सैलरी है, 9 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, सऊदी अरबिया का रिटर्न होना चाहिए, 9 घंटे की ड्यूटी है। रियाद का काम है और 2200 सैलरी मिलेगी इंक्लूडिंग फूड। उसके बाद है HVAC टेक्नीशियन, रियाद का काम है, 2500 से लेके 3000 रियाल तक सैलरी मिलेगी इंक्लूडिंग फूड, 9 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है पोल्ट्री फार्म हेल्पर, 9 घंटे की ड्यूटी है, ये कुवैत का काम है और 80 KD इंक्लूडिंग फूड सैलरी मिलेगी, मतलब कुवैत दिनार। गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि 80 कुवैत दिनार का इंडियन करेंसी में कितना सैलरी बनता है, 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है फोकलिफ्ट ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, TUV OSHA फोकलिफ्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो फोकलिफ्ट ड्राइवर हैं उनको पता रहेगा ये क्या है। रियाद का काम है, सैलरी नेगोशिएबल है, 8 घंटे की ड्यूटी है।
उसके बाद है एसी टेक्नीशियन विंडो एंड स्प्लिट का, ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 35 एज लिमिट है और गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी 1400 रियाल है, कैसे कैसे हैं सब यहाँ पे दिया हुआ है। रियाद का काम है, 8 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है असिस्टेंट टाइल्स मेशन, रियाद के लिए 1000+200 रियाल सैलरी है इंक्लूडिंग फूड, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है वेटर, रियाद के लिए 1400 से लेकर 1600 रियाल तक सैलरी मिलेगी, 23 से 35 एज लिमिट है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है बेरिस्ता, ईसीआर ईसीएनआर कोई भी पासपोर्ट हो चलेगा, 22 से 35 एज लिमिट है, रियाद का काम है और 1500 से लेकर 1600 रियाल तक इंक्लूडिंग फूड सैलरी मिलेगी, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है कैलिब्रेशन इक्विपमेंट इंजीनियर, 5500 से लेकर 6000 सऊदी रियाल तक इंक्लूडिंग फूड सैलरी मिलेगी, रियाद का काम है, 8 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है सेल्स एग्जीक्यूटिव, ओमान का काम है और 500 से लेकर 700 ओमान रियाल इंक्लूडिंग फूड सैलरी आपको मिल सकती है, 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है प्रोजेक्ट इंजीनियर, रियाद का काम है, नेगोशिएबल सैलरी है, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। इलेक्ट्रिक फॉरमैन चाहिए रियाद के लिए। उसके बाद है डीजल एंड पेट्रोल मैकेनिक चाहिए रियाद के लिए, सैलरी फिक्स नहीं है। उसके बाद है स्टोर कीपर, रियाद के लिए चाहिए, सैलरी फिक्स नहीं है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम कीपर चाहिए रियाद के लिए, उसमें भी सैलरी फिक्स नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र, 25 से 37 एज लिमिट है, इसमें सिर्फ मुंबई और गुजरात के लोग अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं चलेगा। ओमान के लिए हैं, 150 से लेकर 200 ओमान रियाल सैलरी मिलेगी, प्लस खाना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, 10 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है स्टोर कीपर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रियाद के लिए चाहिए, 2000 से लेकर 2500 रियाल तक सैलरी मिलेगी, प्लस खाने का पैसा दिया जाएगा, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है डेटा सेंटर टेक्नीशियन, रियाद के लिए हैं, सैलरी फिक्स नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है सऊदी के लिए रिटर्न हाउस ड्राइवर, 1500+200 सैलरी मिलेगी। शेफ दे पार्टी, रियाद के लिए सैलरी यहाँ पे दी है, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है किचन हेल्पर, 1200 रियाल सैलरी मिलेगी इंक्लूडिंग फूड, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद चाहिए किचन कॉमी, रियाद के लिए 1700 इंक्लूडिंग फूड सैलरी मिलेगी। उसके बाद है तंदूरी कुक हैं, पेट्रोल मैकेनिक हैं, सऊदी रिटर्न, गल्फ कंट्री रिटर्न होना चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए ये भी रिटर्न, एसी टेक्नीशियन रिटर्न होने चाहिए, सैलरी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद है वॉल पेंटर जिद्दा के लिए, 1400 रियाल सैलरी मिलेगी, 10 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद चाहिए फर्नीचर कारपेंटर जिद्दा के लिए, 1400 रियाल सैलरी है, 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है प्लास्टिक मोल्डिंग, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिद्दा के लिए चाहिए, 1300 से लेके 1500 तक आपको सैलरी मिलेगी इंक्लूडिंग फूड। उसके बाद है ऑटो पार्ट सेल्समैन, सऊदी रिटर्न होना चाहिए, रियाद के लिए चाहिए, 2000 रियाल सैलरी मिलेगी इंक्लूडिंग फूड और 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद है ट्रेलर ड्राइवर रिटर्न चाहिए, दमाम के लिए 1200 सैलरी मिलेगी प्लस फिक्स ट्रिप मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, 10 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है चिकन रोल मेकर, रियाद के लिए 1500 सैलरी मिलेगी इंक्लूडिंग फूड, 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद एक और काम है मेरे पास हाउस ड्राइवर का, जिसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सीवी भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए और कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, हिंदी, उर्दू, मलयालम, बंगाली, इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज का जानने वाला हो। सैलरी उसमें रहेगी 1000 रियाल, 200 रियाल खाने के मिलेंगे, रहना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, यह हाउस ड्राइवर की जॉब रहेगी, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ जाने से पहले एक बार कार ड्राइविंग का टेस्ट किया जाएगा, अगर पास है तो जाने को मिलेगा, अगर फेल है तो जाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के लिए मेरे पास इतनी जॉब थी। अगर इसमें से किसी जॉब के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल ना करें। जिसके पास ईमेल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वही अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करें, जिसके पास नहीं है वो ना भेजें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी गुड न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।